नमस्ते मित्रों, टू ब्रधर्स किचन में तमारू स्वागत छे। तो आज आपने बनावीशु दूधीनो हलवो। हलवो बनावा माटे आपने सौ प्रथम दूधी ने खमणी लईशु। आवी रीते खमणी लेवी, बधी दूधी आपने किलो दूधी लीधेल छे। खमणता पहला दूधीनी छाल उतारी लेवी। तो आपणी दूधी सारी रीते खमणाई गई छे। दूधीमांथी पाणी छूटू पाडवा माटे आपणे सौ प्रथम कापड़मां दूधी एड करी देशुं। पाणी बहार निकली जाय एवी रीते कापड़ लेवुं। त्यारबाद कापड़ने भेगुं करी लेवुं अने पाणीने छूटू पाडी लेवुं। आवी रीते बधुं ज पाणी छूटू पाडी लेवुं। दूधीना पाणीने वेस्ट न जवा देवू, पीवामां पण सारू ज पड़े छे आ पाणी। तो दूधीमांथी पाणी छूटू पड़ी गयू छे। तो हवे दूधीने तवीमां एड करी देशुं। गैसने आपने लो फ्लेम ऊपर राखीशुं अने दूधीने 5-6 मिनिट सुधी कंई पण एड कर्या वगर चलावता रहीशुं, जेथी दूधीमां कंई पण पाणी वध्युं होय तो ते सुकाई जाय। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। ઘી એડ થઈ જાય ત્યારબાદ 10 મિનિટ સુધી દૂધીને ચલાવતા રહીશું અને હા, ગેસને લો ફ્લેમ ઉપર જ રાખો। ત્યારબાદ આપણે એક બાઉલ જેટલું દૂધ એડ કરીશું। 1 કિલો દૂધી લીધી છે માટે આપણે 1 બાઉલ દૂધ એડ કરીશું। જ્યાં સુધી દૂધ ના બળે ત્યાં સુધી આપણે ધીમે ધીમે ચલાવતા જ રહેવાનું છે। दूध एड थई गया बाद 5 मिनिट पछी खांड एड करवी। 1 वाटकी खांड एड करवी। गैस ने लो फ्लेम राखी अने दूध ज्यां सुधी न बळे त्यां सुधी धीमे धीमे चलावता ज रहेवानुं छे। तमे जोई शको छो दूध सारी रीते बळी गयुं छे। दूध सारी रीते बळी जाय ત્યારબાદ આપણે ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલો અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। દૂધને આપણે સરખી રીતે બાળ્યું હોવાથી હલવો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો આપણો હલવો હવે તૈયાર થઈ ગયો છે। तो आवी यूनिक रेसिपी जोवा माटे अमारी चैनल टू ब्रधर्स किचन ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब जरूर करजो। अने हाँ, कमेंट करवानुं न भूलता।